हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज अगेन रेसिपी शेयर कर रही हूँ, 5K सेलिब्रेशन की खुशी में पाव भाजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ अपने स्टाइल में। एक्चुअली ये ऑथेंटिक डिश है, लेकिन इसका भी अपना अपना बनाने का अलग अलग स्टाइल है, जिसको जैसा जमता है। बहुत सारे लोग तो कैरेट और बीटरूट भी डालते हैं, कोई ओनली मटर डाल के बनाता है। तो देर इज सो मेनी वेज, तो जो जैसे मैं बनाती हूँ तो मैं वैसे ही शेयर कर रही हूँ। तो चलिए, मैंने वेजिटेबल्स तो ऑलरेडी बॉईल कर लिए हैं। मैंने पटेटो छील कर पील करके और 1/2 किलो मतलब 250 ग्राम मटर और थोड़े से कॉलीफ्लावर थे, इन तीनों को मैंने अच्छे से क्लीन करके कट करके और कुकर में बॉईल दे दिया था। मतलब नॉर्मल बॉईल जितना होता है बॉईल दे दिया था। एंड टमाटो मैंने प्यूरी कर लिए, 4-5 टमाटो प्यूरी कर लिए हैं। और अभी मैंने कढ़ाई में बटर डाला है। बटर के साथ आप थोड़ा सा ऑयल भी ऐड कर सकते हो, बट मैंने सिर्फ बटर डाला है। और बटर में ऑनियन डाला है। बहुत सारे लोग ऑनियन नहीं डालते, स्किप करते हैं, बट मैंने थोड़ा सा डाला है, वो अच्छा टेस्ट करता है। ऑनियन डाला है, ऑनियन को हल्का सा ही जस्ट उसका कच्चापन खत्म करना है, ज़्यादा उसको फ्राई नहीं करना ऑनियन को। और ऑनियन फ्राई थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। और अभी मैं इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। एक्चुअली इसमें काश्मीरी मिर्च पाउडर पड़ती है जस्ट टू ऐड कलर, बट मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था अभी, तो मैंने लाल मिर्च पाउडर डाली है, जिसकी वजह से मेरे पाव भाजी का कलर थोड़ा सा डल है, उतना रेडिश नहीं है, बट बनने के बाद इट वॉज वेरी टेस्टी। खाकर इन सबने बताया कि अच्छा बना है। सो कलर का थोड़ा सा है वो, मतलब काश्मीरी मिर्च पाउडर नहीं डाला था, इसके उसका कलर थोड़ा सा डल है। अभी मैंने इसमें पाव भाजी मसाला ऐड कर लिया था टमाटो ऐड करने के बाद, और इन सबको थोड़ी देर के पका लेंगे। मतलब बटर में मैंने पहले ऑनियन डाला एंड जिंजर गार्लिक डाला, देन मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला, फिर टमाटो डाला एंड फिर पाव भाजी मसाला डाला है। और अभी मुझे लग रहा था थोड़ा सा इसमें बटर की ज़रूरत है इसको पकाने के लिए, तो मैंने थोड़ा बटर और ऐड किया है, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग में थोड़ा कम बटर ऐड किया था। पाव भाजी मतलब आपको इसमें बटर तो डालना ही पड़ेगा। तो अभी मैंने थोड़ा बटर ऐड किया है और देखो मैं इसको पका रही हूँ, सब बबल्स उसमें क्रिएट हो रहे हैं। थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे सॉटे कर लेंगे, पका लेंगे, और फिर आपको इस टाइम तक चाहिए तो कुछ और काम कर लो। ये थोड़ा उड़ता है, हाँ थोड़ा संभाल के, ऐसे बबल्स उसके उड़ के हाथ पे भी पड़ते हैं। अगर आपको नहीं जमता है तो आप उसके ऊपर एक कवर रख लो, हल्का सा हाफ कवर करके, और फिर ऐसे ऐसे चला लो। मुझे अभी आदत हो गई है तो मुझे चलता है। और अभी जब तक कि थोड़ा स्लो आंच पे पक रहा है टमाटो, तब तक मैं इसको मैश कर लेती हूँ मैसर से। अगर आपके पास मैसर है तो मैसर से मैश कर लो, और नहीं है तो फिर आप दाल दाल घोटते हो ना जिससे, उससे मैश कर लो। जैसे भी पॉसिबल है, इसको जस्ट थोड़ा सा ग्राइंड करना है, मिक्स करना है, तो वो आप कर लो। मेरे पास मैसर अवेलेबल थे इसके लिए, पाव भाजी के लिए स्पेशली मैसर आते हैं, बट बहुत जगह ये नहीं अवेलेबल। मैं बिहार से हूँ तो मुझे पता है बिहार में ये अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे दाल घोटने के लिए जो आता है उससे आप उसको मिक्स कर सकते हो। मतलब ये ऐसे थोड़ा ऐसा एरिया है ना जहाँ पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे ये पाव भाजी बनाने वाला मेस करने वाला अवेलेबल नहीं है। तो अभी तब तक हमारा ग्रेवी पक गया है, और अब हम लोग इसमें थोड़ा सा नमक भी ऐड करेंगे। और थोड़ा देर वापस से इसको सॉटे करने के बाद ये जो मेस किया वेजिटेबल है हम अब उसमें धीरे धीरे मिक्स कर लेंगे, और मसालों को उसमें अच्छे से स्टोर कर लेंगे ताकि एक दूसरे में वो मिक्स हो जाए। और इसमें ना मैंने पानी जो है वेजिटेबल मैंने बॉईल किया था, तो उसमें जो पानी बचा था उसको मैंने बाहर फेंका नहीं था, उस वाटर को मैंने इसमें ऐड किया है। सो ये थोड़ा आपको थिक ये दिख रहा है, थोड़ा सा वाटरेस दिख रहा है, तो ये उसमें मैंने वो पानी ऐड किया है। अभी इसको पकाएंगे ना तो ये अपने आप ये पानी जो है इसका सूख जाएगा और ये थिक हो जाएगा फिर। तो अभी थोड़ा देर इसको इसके साथ मिलने देते हैं, बट थोड़ा थोड़ा मुझे लग रहा था कि इसको थोड़ा और मिक्स करने की ज़रूरत है, तो मैंने वापस से वो मिक्स करने वाले से वापस से जो बटर वगैरह थोड़े दिख रहे हैं उसको मैंने मिक्स कर लिया था,
और अभी ये काफी हद तक हो चुका है, वो थोड़े थोड़े मटर दिखे नहीं है उसके छिलके हैं मटर के, उसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। और एट लास्ट इट्स ऑल अबाउट टेस्ट, खाने में कैसा लग रहा है। हाँ ठीक है, दिखने में भी बहुत सारे फूड टेम्पटिंग लगते हैं लेकिन खाने के बाद वो टेस्टी नहीं लगता है, तो बेटर कि लुक पे मत जाओ, टेस्ट पे जाओ। और हाँ, थोड़ा कलर डल लग रहा था तो कलर को थोड़ा और वाइब्रेंट करने के लिए मैंने अलग दूसरे जगह पे मैंने मैंने करछी जो होती है उसमें बटर गरम करके, बटर को हीट करके उसमें थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डाल के इसमें ऐड किया है, थोड़ा सा कलर और ऐड करने के लिए। बट इट वॉज नॉट सक्सेसफुल आई थिंक, पता नहीं मुझे, बट ये जैसा भी कलर हुआ टेस्ट बहुत अच्छा आया था इसका, नो डाउट सबने बहुत ही अच्छे से खाया था और फिनिश भी हो गया था। तो ये हमारा पाव भाजी है ना ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, अब इसमें कुछ बचा नहीं है, लास्ट में जो बटर डालना था वो हमने ऑलरेडी डाल ही दिया है, अभी इसको गैस बंद करना है और हम पाव सेक ले लेते हैं। तो मैंने अभी कितना 2 डज़न आई थिंक पाव लाया था, तो ये मेरा आयरन तवा है जिसपे मैं डोसा बनाती हूँ, पतला है तो इसमें जल्दी जल्दी सिक जाता है, तो अभी मैं इसमें ऐसे ऐसे बटर लगा के, और पाव को मैंने बीच से ओपन कर दिया है, चाहिए तो चाकू से नहीं तो ये हाथ से भी हो जाता है, मतलब नाइफ से कर सकते हो तो नाइफ से, अदरवाइज ये हैंड से भी आप उसको ओपन करोगे तो हो जाता है। और इसको ना मतलब मेन पर्पस ये है कि थोड़ा अच्छे से सिक जाए और क्रिस्पी हो जाए, सो क्रिस्पी क्रिस्पी रहता है ना तो भाजी के साथ इसकी टेस्ट और बढ़ जाती है, इनहेंस हो जाती है। तो अभी मैं पहले पाव सेक लेती हूँ फटाफट, एंड देन सर्व करती हूँ और देखते हैं क्या बोलते हैं लोग कैसा बना है। और फटाफट से ये देखो मैं कैसे पाव सेक रही हूँ, बटर लगाते जाओ और वहाँ पे पाव को आप बीच से भी सेको और ऊपर और नीचे जो है वो दोनों भी सेक लो। और ये देखो ऑलमोस्ट हमारा पाव हो चुका है, और फटाफट से चलो मैं उसको सर्व कर लेते हैं फिर। तो ये हमने थोड़ा सा ऑनियन कट करके रखा था, एक्चुअली मेरा चॉपर है ना इलेक्ट्रिक वाला है, और वो थोड़ा उसका शायद चार्जर नहीं मिल रहा है इस, तो मैंने दूसरे चार्जर से ट्राई किया बट वो चार्ज नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने हैंड से कट किया है, तो ये उतना बारीक चॉप नहीं हुआ है, ऑनियन और भी बारीक चॉप होना चाहिए इसके लिए। और थोड़ा सा लेमन डाला है, लेमन तो मस्ट है, आपको चाहिए उसमें लास्ट में भाजी में लेमन स्क्वीज करने के लिए। और पाव भी हमने सर्व कर लिया है, तब तक भाजी जो है ना उस पर जो मैंने भाजी का जो पानी था वो डाला था, सो वो थोड़ा सा पतला था इसके लिए मैंने उसको फ्लेम स्लो करके रखा हुआ था, और कवर इसलिए किया था क्योंकि इसके बबल बहुत उड़ते हैं तो पूरा गैस खराब हो जाता है, और वो हाथ पे भी उड़ उड़ के आपके फेस पे भी पड़ता है। तो वो हो चुका है अभी, अब सर्व करने के का टाइम है, तो मैं लास्ट में थोड़ा सा हल्का सा बटर डाला है जस्ट टू फ्लेवर बना रहे उसका, और अभी हम लोग उसको भाजी को भी सर्व कर लेते हैं और देखते हैं कि फाइनली टेस्ट कैसा आया है। और ये बोल में मैं सर्व कर रही हूँ, एक्चुअली मैंने ये न्यू बोल निकाले थे जस्ट 5K की खुशी में, मेरा नया डिनर सेट पड़ा हुआ था काफी टाइम से, नहीं तो मैं सोच रही थी निकालूंगी निकालूंगी, तो आज मैंने सोचा चलो फाइनली इसको निकाल लेते हैं, क्योंकि पुराने प्लेट्स काफी जो है ना फूट भी चुके थे, बच्चे हैं घर में तो होता है कभी कभी हाथ से छूट जाता है तो फूट जाते हैं, इट्स फाइन होता है। तो हमने नया सेट आज निकाल लिया है और आज इसमें ही हम उद्घाटन करेंगे इसका, देखिए देखने में तो अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कलर जस्टिफाई हुआ है, और इवन टेस्ट का तो मुझे पता ही है, मैंने ऑलरेडी इन लोग का रिव्यू सुन लिया था, और ये वीडियो मैं बाद में एडिट कर रही हूँ, वॉइस ओवर डाल रही हूँ मैं इसमें, तो सबने अच्छा बोला था, अच्छा बना है और सबने खाया भी अच्छे से पी पर के, और बच भी गया था, लेकिन पाव भाजी है ना ऐसे लेते बच क्या भी जाए तो ऑनियन हमको डाले बाद में इसमें उसका लेमन डाले टेस्ट नहीं रह जाता, इसको गरम गरम खाने में मजा आता है, इसको आप ठंडा खाओ तो कोई फायदा सबसे नहीं ज्यादा होता, जो ऑथेंटिसिटी है ना वो नहीं रहता फिर, फिर वो भाजी जैसा टेस्ट अच्छा नहीं बना रहता। है हाँ तो इसके लिए मैंने तो क्या थोड़े बोल से रही है, पाव से लग दिया, और खेलूंगा बाकी का जो है ना जो भी सीख गया था मैं फटाफट से सर्व भी करके जा रही खाऊंगा हूँ ताकि गरम गरम कर लूँ खाऊंगा तो खा खाऊंगा भी लूँ। खाऊंगा बाबू खाऊंगा।
तो फिर क्या रिव्यू है जल्दी बताइए। अच्छा awesome. बना है हाँ? कांदा थोड़ा और बारीक चाहिए था। हाँ अपना वो खराब हो गया है ना वो क्या चॉपर, तो मैंने हैंड से जितना भी बारीक हो पाया उतना बारीक काटा है। तो तुम्हारे पास तो दूसरा चॉपर भी है, उसका ब्लेड नहीं मिल रहा, ब्लेड इससे छुपाती हूँ। ऊपर विंडो पे है तो? नहीं ना, वो चॉपर वो इलेक्ट्रिक वाले चॉपर का ब्लेड है व्हाइट वाला, और इस चॉपर का जो है ना हैंड वाला, उस चॉपर का ब्लेड नहीं मिल रहा ना, ये हाथ में ले लेगा करके कहीं कहीं छुपाते रहते मिल नहीं रहा। अब यार भैया इसमें चीज भी डालते हो पता, चीज डाल के भी टू गुड लगते हैं पाव भाजी, चीज पाव भाजी। इससे इसके ऊपर एक क्यूब डालेंगे मेल्ट कर लेंगे, बट चीज भी क्या हर जगह चीज। ऑसम मजा आ गया, क्या एक्सप्रेशन किस फैंटास्टिक। होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको कुछ हेल्प हुई हो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये रेसिपी मुझे ही आती है, मैंने बहुत बेस्ट बताया है, मैंने मेरा वे ऑफ कुकिंग शेयर किया जैसे मैं बनाती हूँ। इफ़ अगर आपको हेल्प हुई हो या किसी भी तरह अच्छा लगा हो, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।